आप लोगों को यहाँ पे थंबनेल से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, UPSRTC बस कंडक्टर जो है, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने का ये एक फॉर्म जो आया हुआ है, इसका अप्लाइड ऑनलाइन दिनांक जो है 23/9/2019 को और लास्ट डेट जो है 29/9/2019 को है। यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल से ही पता लग रहा होगा वैसे, ठीक है। चलिए ले चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पेज पर इसके कि क्या है फॉर्म, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सहारनपुर, यहाँ पर देखिए और नीचे लिखा हुआ है कि पत्रांक 6984 क्षेत्रीय प्रादेशिक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और दिनांक जो है पब्लिश होने का 20/9/2019 को ये पब्लिश हुआ है, लेकिन साइट पर अब आ चुका है, इसका लिंक भी, इसकी लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है फॉर्म भरने का। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सहारनपुर क्षेत्र के अंतर्गत समस्त डिपोज में बस संचालन हेतु संविदा परिचालकों को आबद्ध किया जाना है। संविदा परिचालकों की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे और दिया हुआ है कि क्षेत्र जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है, यूपी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अनुसूचित जाति का 23 पोस्ट है यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति का 14 पोस्ट है और OBC का जो है, अदर बैकवर्ड क्लास का जो है 30 पोस्ट है और सामान्य का जो है 44 पोस्ट है, यानी कुल मिलाकर 111 पोस्ट है। इसका साइट खोलने का समय जो है 23/9/2019 रात को, मतलब मॉर्निंग में 10 बजे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ये साइट बंद जो है आपको 29/9 यानी 6 दिन जो है इसका टाइम दिया हुआ है, बहुत ही कम टाइम में ही इस फॉर्म को फिल करना होगा। और यहाँ पे उसका जो है UPSRTC.com पर ये इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जा कर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और कैसे फॉर्म भरना ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे अभ्यर्थी की आयु जो है 1/9/2019 को, यानी 1 सितंबर 2019 को जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए या पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जो सीमा में 5 वर्ष संबंधित शासनादेश के अनुसार छूट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु जो सीमा में उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार छूट दी जाएगी। और यहाँ पे ट्रेनिंग जो है स्टार्ट होने पर जो है आपको लाइसेंस की धारिता अनिवार्य की गई है, ठीक है। और प्रशिक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थी अधिकतम 2 सप्ताह में अनिवार्यतः कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि अभ्यर्थी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो और तथा बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित कम से कम एक स्रोत की योग्यता रखता हो। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा कि नगर निगम जो है सेवा के दौरान मृतक नियमित या संविदा कर्मचारियों के आश्रित हो, वो भी इसमें जो है छूट के लिए ये डिक्लेरेशन बॉक्स जो दिया हुआ है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 12th के अलावा क्या क्या यहाँ पे लग रहा है, अगर इसमें से कोई भी एक हो, जैसे NCC के बी प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी हो और या तो ITI किया हुआ हो, और इंटरमीडिएट तो कंपलसरी है, उसके साथ ये किसी अर्हता को का पालन करना पड़ेगा, ठीक है इसमें। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है या 65 वर्ष से कम हो या भूतपूर्व सैनिक हो, मतलब इंटरमीडिएट प्लस ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन, ये 6 में से एक होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और नीचे दिया हुआ देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसकी जो है बेसिक डिटेल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें सामान्य और OBC के लिए जो है 200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म का फी है और अनुसूचित जाति और जनजाति भूतपूर्व सैनिक के लिए 100 रुपये है। निगम के सेवा निवृत्त कर्मचारी मृतक आश्रित के लिए मतलब पूरा कोई भी फी नहीं रखा गया है। और जो है इसका पेमेंट जो है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।
और इसकी रसीद जो है आपको आवेदन करने की टोटल रखना होगा आपके पास, और संविदा परिचालक के लिए आवेदित अभ्यर्थी की इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची वर्ग का अलग अलग तैयार की जाएगी। इसमें देखिए ये इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, इस सूची के आधार पर ही इस क्षेत्र में रिक्तियों के अनुसार संविदा परिचालक, यहाँ ट्वेल्थ जो है आपका जितना मेरिट रहेगा उसके हिसाब से आपका जो है इसका चयन किया जाएगा। वेरिफिकेशन समय संलग्न, यहाँ पे देखिए लिखा है वेरिफिकेशन के समय आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना है, और भी कुछ डिटेल्स हैं आप जाकर के नोटिफिकेशन में आपको पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है आप लोग। और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के रूप में 10,000 रुपये जो है यहाँ पे आप लोगों को जमा करना होगा। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उसके पहले आपको यहाँ पे 10,000 रुपये जो है सिक्योरिटी के रूप में जमा करना होगा। चयनित संविदा परिचालकों की निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा, और जो आपका पैसा है वो किलोमीटर के आधार पर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। और उपरोक्त अनुसार ऑनलाइन आवेदनों की श्रेष्ठता सूची जो है 1 साल के लिए वैध रहेगी, उसके बाद निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे किसको भेज ये और बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आप चलिए आप लोगों को बताने वाले हूँ कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, ठीक है। आप नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई वर्ल्ड में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो एक वैकेंसी आई हुई है, उत्तर प्रदेश जो है UPSRTC की तरफ से एक जो सहारनपुर बस कंडक्टर की है, और उसको फॉर्म को फिल कैसे करना है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और बिना देरी करते हुए मैं इस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ लिंक में जा करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको लिंक एक्टिवेट मिलेगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ में नेम ऑफ एप्लीकेंट की जगह पे आप लिख दीजिएगा जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, गणेश सिंह, और यहाँ पिता का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, और यहाँ पे एप्लीकेंट की हाइट क्या है, मिनिमम जो है आप लोग उनकी हाइट जो है 5'2" होनी चाहिए, और आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल OBC SC ST जो भी होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, और यहाँ से सेलेक्ट करके आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरस्पेंडेंस एड्रेस, अगर ये सेम है तो यहाँ इस बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है अप्लीकेंट का, और यहाँ पे आधार नंबर अप्लीकेंट का, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो उसको प्रोवाइड करवाना है आपको। और यहाँ लिखा हुआ है टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे डालना है आपको, और यहाँ पे आपको कितना पाए हैं ट्वेल्थ में वो डालना है, और इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें ये मेरिट बेस पर आपका चयन किया जाएगा इसमें। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट में कितना मार्क पाए हुए हैं, ये आपको पूरा डिटेल फिल करना है, ठीक है। और एप्लीकेंट का फ़ोटो, यहाँ से आपको जा करके जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा 2 MB से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, उससे कम ही उसकी साइज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, हाई स्कूल की भी अपलोड करनी है, और यहाँ जो है आपको जो या तो ITI होना चाहिए या कंपलसरी, इसमें से जो भी आपके पास डिग्री है, देखिए इसमें ट्वेल्थ कंपलसरी है, और इसमें इस बॉक्स जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये वाला बॉक्स, इसमें से कोई एक आपको, जैसे आप ITI किए हुए हैं और ट्वेल्थ के साथ, ठीक है, और इसकी उस मार्कशीट की टोटल स्कैन करके आपको अपलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पे आकर के नीचे जो है यहाँ अप्लाई ऑनलाइन जो है करके सबमिट कर देना है। उसके बाद ये पेमेंट बॉक्स खुलेगा, वहाँ से जा करके आप पेमेंट कर दीजिएगा इस सबमिट करने के बाद, और ऐसे आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा।
और किसी भी डाउट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अपडेट्स आप लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।